आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। उसके पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों को हमारे नोट्स चाहिए, TGD, PGT, LT, GIC, ट्रेड सीटेड, सुपर ट्रेड, UP कांस्टेबल, SDI और आपका प्रारंभिक अर्थात परीक्षा PET, इसमें आपको निश्चित सफलता प्राप्त करनी है तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं 9741385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। आप लोगों को 93% प्रश्नों की गारंटी के साथ ये मैटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं और 93% प्रश्न का तात्पर्य यही होता है सफलता की सुनिश्चितता। आप सभी लोग निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करिए, हमारे नोट्स से आप सभी लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। याद रखिए 9741385 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करने पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी और आप सभी लोग इस पे जो है अपने नोट्स आदि की बुकिंग कर सकते हैं। बहुत तेज जुकाम हुई है मुझे, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। आज आप सभी लोगों को मैं बता दूं, BEd बनाम BTC का कोर्स का जो मामला था वो हाई कोर्ट में लगा हुआ था लेकिन हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है, तो इसलिए जो है ये मामला तब तक नहीं सुना जाएगा जब तक 24 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले की सुनवाई पूरी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कम्प्लीट होने के बाद हाई कोर्ट में दायर इस याचिका को कोई मतलब भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए आज इसकी सुनवाई नहीं हुई है और आगामी समय में 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने चल रही है और एक दो सुनवाई के उपरांत आप लोगों के इस मैटर को फाइनल कर दिया जाएगा। उसके उपरांत आप लोगों को मैं बता दूं कि यूपी ट्रेड का विज्ञापन और साथ ही साथ सुपर ट्रेड के विज्ञापन को भी आप सभी लोग सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों से मैं एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप लोगों को ट्रेड सीटेड सुपर ट्रेड में 138 क्वेश्चन करके आने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स प्राप्त कर सकते हैं 9741385 पर, ठीक है। आगे चलें, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए। LT ग्रेड और GIC प्रवक्ता के लिए जो विद्यार्थी लटके हुए हैं, मतलब आपके कला के विद्यार्थी, हिंदी के विद्यार्थी, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी, साथ ही साथ संगीत के विद्यार्थी, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी, उनकी नियुक्ति के संबंध में जो चीज़ें अस्पष्ट होनी थी आज अस्पष्ट हुई हैं और अध्यक्ष ने JD को जो मतलब इसके लिए यथा निर्देशित किया है कि आप फाइलों को जो है तत्काल हमें प्रेषित करिए और जो फाइलें हमने आपको प्रेषित किए हैं आप उसकी नियुक्ति आदि के संबंध में उसे कार्मिक विभाग को भेजें ताकि विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के लिए जो है पोर्टल आदि खोले जा सकें। वेरिफिकेशन आप लोगों का बहुत जल्द होगा और बहुत जल्दी ही आप लोगों की नियुक्तियां भी मिल जाएंगी, ठीक है। चाहे वो कला के विद्यार्थी हों, चाहे वो आपके संगीत के विद्यार्थी हों, चाहे वो अंग्रेजी के विद्यार्थी हों या हिंदी के। जैसा कि आप जानते हैं लगभग 92 विद्यार्थी हिंदी के जो है वो अभी तक लटके हुए हैं संस्कृत की अनिवार्यता वाला मैटर लेकर के, ठीक है, कि इंटर लेवल पे संस्कृत की अनिवार्यता होनी चाहिए। वही चीज़ है, वही अर्हता सेम टू सेम जो है मतलब लेकर के अभी तक अटके हुए हैं। सिलेक्शन हो गया लेकिन नियुक्ति नहीं मिल पा रही है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस बार तो आप लोगों को LT ग्रेड में ये चीज़ें देखने के लिए नहीं मिलेंगी, लेकिन हाँ इतना चीज़ ज़रूर है कि जो विद्यार्थी इस सारी अर्हताओं को कम्प्लीट कर चुके हैं उन विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में आज उनकी फाइलें जो है भेजने के लिए निर्देश जारी हो चुके हैं, बहुत जल्दी उनकी फाइलें भेज दी जाएंगी। कला विद्यार्थियों की फाइलें भी भेजी जा रही है, जिन विद्यार्थियों ने प्रावधिक टेक्निकल फाइन BFA आदि से डिग्री ले रखी है, जो non-BEd हैं, non-BEd वाले स्टूडेंट उनकी नियुक्ति के लिए भी उनकी फाइलें जो है कार्मिक विभाग को भेजी गई हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से। मैं आप सभी लोगों को इस बात की सूचना दे रहा हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों की नियुक्ति आज की प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, पोर्टल आज आपका खोला जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए और बहुत जल्दी आप लोगों की नियुक्ति आज मिल जाएगी। चलिए
आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कि इसका विज्ञापन कब तक, तो इसका विज्ञापन 20 तारीख के बाद कभी भी जारी हो सकता है, ठीक है। और विज्ञापन आदि को जारी करने के संबंध में भी आज लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को दूर करते हुए विज्ञापन आदि की प्रक्रिया को सुनिश्चित बनाया जाए, ताकि इसी माह में विज्ञापन को जारी कर दिया जाए। और जैसे ही विज्ञापन जारी किया जाएगा 15 दिन के भीतर आप लोगों को आवेदन करने का अवसर मिलेगा, और उसके बाद 35 दिन का आपको टाइम मिलेगा एग्जाम की तैयारी के लिए, और 35 दिन बाद आपका पेपर हो जाना है, ठीक है। तो आप सभी लोग इतना सुनिश्चित कर लीजिए कि तैयारी आपको बेहतरीन ढंग से करनी है, और यदि निश्चित सफलता आपको प्राप्त करनी है तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल नोट्स उपलब्ध करा रहा है। आप 97-41-13-85 पर इस नोट्स की बुकिंग कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारे चैनल का, और इसे आप बुकिंग कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती के लिए। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षा भर्ती के लिए एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है, कार्मिक विभाग सहित शासन को रिवाइज रिजल्ट भेज दिया गया है, और पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिनों में शासन की तरफ से इसे मंजूरी भी मिल जाएगी, क्योंकि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री आपके संदीप सर ने इन सारी चीजों को लेकर के एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री महोदय को कि ये प्रक्रिया बहुत दिन से लंबित है और इस प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए, पूरा किया जाए, और पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिनों में इसको सहमति मिल जाएगी, और जैसे ही सहमति प्राप्त हुई वैसे ही तत्काल आपका रिजल्ट जारी होगा और जिला आवंटन सूची जारी होगी। आगे बढ़ेंगे, बात कर लेंगे कि यूपी टेट का विज्ञापन कब तक, तो यूपी टेट 2022 के लिए अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक 24 तारीख तक जो है सुप्रीम कोर्ट में इस केस का फाइनलाइजेशन नहीं होता बीएड बनाम बीटीसी, तब तक यूपी टेट के विज्ञापन को जारी करने में थोड़ी सी बाधाएं हैं, ठीक है। और इस बाधा को दूर करने के लिए 24 तारीख तक आप वेट करिए, जैसे ही मामला उधर से डिक्लेयर होता है तत्काल आप लोगों का यूपी टेट का विज्ञापन जारी हो जाएगा, क्योंकि यूपी टेट का पूरा विज्ञापन बन के तैयार है, बस जरूरी है तो शासन की दिशा निर्देशों की और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, ठीक है। तो आप सभी लोग बेफिक्र होकर के अपनी तैयारियां करते रहिए, टेट सीटेट में सुपर टेट में अगर आपको सफलता चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 97-41-13-85 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपके सर्वप्रथम टीजीटी पीजीटी के लिए। जो विद्यार्थी इस बात को लेकर के परेशान है कि कितने पद हो सकते हैं, मैं आप आज आप लोगों को पदों की संख्या बता दूं। सर्वप्रथम आती है हिंदी, हिंदी में पदों की संख्या है इस समय 903, ठीक है। और उसके बाद अंग्रेजी आती है, अंग्रेजी में पदों की संख्या हो गई 586, और संस्कृत में 803, और आपके विज्ञान में 16, विज्ञान में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा 469, और गृह विज्ञान में देखने के लिए मिलेगा 536, और आप सभी लोगों को सामाजिक विज्ञान में देखने के लिए मिलेगा 741 पद, ठीक है। उर्दू में आप सभी लोगों को 56 पद देखने के लिए मिलेंगे, और कॉमर्स में आप सभी लोगों को 108 पद देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इस बार थोड़े से पद मतलब कम थे, लेकिन हाँ सीटें बढ़ाई गई हैं, इसलिए आप सभी लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग तैयारी करते रहिए, जो भी पूरी डिटेल अभी हमें शाम तक प्राप्त हो जाएगी, तो कल सुबह की वीडियो में आप सभी लोगों को रियल डेटा जो अभी मतलब मैंने बताया है कि इतनी इतनी सीटें हैं, ये मैंने फौरी तौर पे देखी थी इसलिए मैं आपको बता दिया, और जो चीज़ें जो रियल डेटा है वो डेटा हमें आज शाम तक उपलब्ध हो पाएगा, तो उसके बाद ही हम सभी आप सभी लोगों को सुबह की वीडियो में इस बात की जानकारी दे पाएंगे कि वर्तमान में कितनी सीटें हैं आपके टीजीटी पीजीटी में, ठीक है। आपको प्रशिक्षित स्नातक की भी जानकारी दी जाएगी और आपको प्रवक्ता की भी जानकारी दी जाएगी, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी तो पोर्टल खोले नहीं गया, अध्याचन आया ही नहीं, कुछ नहीं हुआ तो कैसे सीट बढ़ गए, तो ये अध्याचन जो है जब विज्ञापन जारी हुआ था तभी उसी समय इसका अध्याचन आया था। ये तो बोर्ड की महिमा थी कि उन्होंने सीटों में कैंची चला दी और जो कुछ पद आधे ज्यादा पद रोक लिए, उसके बाद एक तिहाई पद पे विज्ञापन जारी कर दिए, ठीक है। क्योंकि वो तदर्थ शिक्षकों को बचाना चाहते थे, तदर्थ शिक्षक तो पूरी तरीके से समाप्त हो गए, और जो चीजें हैं अब वो सारी चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि नए विज्ञापन के लिए जो चीजें हैं वो अस्पष्ट हैं, कि जो नया अध्याचन आया है उनके विज्ञापन को इसी में जोड़ दिया जाए, ठीक है। बाकी जो तदर्थ शिक्षकों के सीटों की बातें हैं वो अलग से चलती रहेंगी, कोई टेंशन नहीं है। तो बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, धनाधन नोट्स बुक करने के लिए आप 97-41-13-85 पर
हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये नोट्स आप सभी लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने एलटी ग्रेड और सुपर टेट आदि के लिए भी नोट्स बुक किए हैं। मैं उन विद्यार्थियों के नोट्स मैंने सेंड करा दिए हैं, बहुत जल्दी उनको प्राप्त भी हो जाएंगे। 97 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग संपर्क कर सकते हैं हमसे और अपने नोट्स आदि को बुक कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी ही नोट्स के दाम बढ़ने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए, टेट सीटेट सुपर टेट के लिए आप सभी लोग नोट्स हमारे प्राप्त कर सकते हैं। और प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में अगर आपको निश्चित सफलता प्राप्त करनी है एक बेहतरीन अंक के साथ, तो आपको हमारे नोट्स अवश्य ही प्राप्त करने चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।